सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अमितपाल, आई एम फ्रॉम पीलीभीत। नाउ आई एम परस्यूइंग डी फार्मा सेकंड ईयर फ्रॉम एफआईपी बरेली। टुडे इज माय प्रेजेंटेशन डे, सो वी आर डिस्कस अबाउट लिक्विड डोजेज फॉर्म। नाउ वी लेट्स स्टार्ट। लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होती है? लिक्विड डोजेज फॉर्म आर लिक्विड इन नेचर। ये जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है वो नेचर में लिक्विड होती है, एंड इट इज होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। अब बात कर लेते हैं कि कितने टाइप की होती हैं। तो अगर बात करें टाइप की, तो मोनोफेजिक एंड बायोफेजिक। अगर मोनोफेजिक की बात करें तो ये इसमें वन फेज होता है, एंड बायोफेजिक की बात करें तो इसमें टू फेज होते हैं। अब बात करते हैं कि मोनोफेजिक कितने टाइप की होती है। मोनोफेजिक इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में लोशन आता है, माउथ वॉश आता है, एंड एक्सटर्नल में सिरप, सोल्यूशन, एलेक्जर, ये सभी एक्सटर्नल में आते हैं। अब बात करते हैं बायोफेजिक की। बायोफेजिक में सस्पेंशन, इमल्शन दोनों आते हैं। अब बात करते हैं हम इमल्शन की। तो इमल्शन इज अ बायोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। ये बायोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, इसमें टू फेज होती है। नंबर वन डिस्पर्स फेज, नंबर टू कंटिन्यूस फेज। इट इज अ हेट्रोजीनियस लिक्विड, सो इट इज इमिसिबल। ये हेट्रोजीनियस होती है, इसलिए ये इमिसिबल होती है। एंड इट हैज ग्लोबुल्स, इसमें ग्लोबुल्स पाए जाते हैं। बात करें अगर इमल्शन के क्लासिफिकेशन की, तो सिंपल इमल्शन, मल्टीपल इमल्शन एंड माइक्रो इमल्शन तीन टाइप का होता है। सिंपल इमल्शन दो प्रकार का होता है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। मल्टीपल इमल्शन ये भी दो प्रकार का होता है, ऑयल इन वाटर एंड ऑयल इन वाटर इन ऑयल एंड वाटर इन ऑयल इन वाटर। अब बात करें माइक्रो इमल्शन की, तो इसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो 0.1 माइक्रोन होता है। अगर बात करें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम इमल्शन को पहचानने के लिए करते हैं कि किस टाइप का इमल्शन है। तो ये पांच टाइप से हम टेस्ट कर सकते हैं। नंबर वन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी टेस्ट, नंबर टू डायलेशन टेस्ट, नंबर थ्री डाई टेस्ट, एंड नंबर फोर फ्लोरोसेंट टेस्ट, नंबर फाइव सोडियम क्लोराइड टेस्ट। तो फर्स्ट वाले की बात करें, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी टेस्ट। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी टेस्ट होता है जो उसमें हम किसी बीकर में या किसी भी पात्र में हम सोल्यूशन ले लेते हैं, चाहे वो ऑयल इन वाटर ले लें या वाटर इन ऑयल ले लें, उसमें हम करंट प्रवाहित करते हैं। तो अगर करंट प्रवाहित करते हैं, अगर दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक पास हो जाती है, तो उसको ऑयल इन वाटर सोल्यूशन बोलेंगे। अब बात करें डायलेशन टेस्ट की, तो ये जो होता है, अगर हम ऑयल इन वाटर इमल्शन लेते हैं, तो अगर जो ऑयल इन वाटर इमल्शन में अगर हम ऑयल डालेंगे तो वो जल्दी से घुल जाएगा, एंड अगर ऑयल इन वाटर में नहीं घुलेगा और वाटर इन ऑयल में घुल जाएगा। बात करें डाई टेस्ट की, तो हम डाई टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, मतलब डाई दो प्रकार की होती है। नंबर वन ऑयल इन वाटर सोल्यूबल एंड वाटर इन ऑयल सोल्यूबल। तो अगर हम वाटर इन ऑयल सोल्यूबल में वाटर इन ऑयल सोल्यूबल अगर डाई डालते हैं, अगर वो मिल जाती है, तो वो हमें पता चल जाता है कि किस टाइप का इमल्शन है। नंबर फोर है फ्लोरोसेंट टेस्ट। इसमें हम अल्ट्रावायलेट रे प्रवाहित करते हैं। अगर अल्ट्रावायलेट रे प्रवाहित हो जाती है, दूसरी तरफ निकल जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि फ्लोरोसेंट टेस्ट है। तो हमें पता चल जाता है कि किस टाइप का सोल्यूशन है। एंड सोडियम क्लोराइड टेस्ट में सोडियम क्लोराइड की मदद से हम ये टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।